मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अघोषित बिजली कटौती एवं विद्युत कर्मियों की तानाशाही और अवैध वसूली से नगरीय क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के लोग परेशान हैं। विगत दिनों ब्रिजपुर के कुछ घरों में चेकिंग के नाम पर जबरन घुसकर परिवार के लोगों से बदसलूकी के मामले के बाद क्षेत्र के किसान भड़क गए। मामला थाना तक पहुंचा, उसके बाद समझौता हुआ। आज किसानों ने पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और विधायक को ज्ञापन सौंप कर विद्युत कर्मियों की तानाशाही और अवैध वसूली रोकने की मांग उठाई है। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रूपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के। बता दें कि क्षेत्रीय किसानों ने बताया कि हम लोग अधिकतर खेतों में रहते हैं, घर में महिलाएं और बच्चे अकेले रहते हैं। ऐसे में दिन हो या रात, कभी भी विद्युत कर्मी घरों में जबरन घुसकर महिलाओं तक से धक्का मुक्की और बदसलूकी करते हैं एवं विद्युत चोरी का प्रकरण बनाने की धमकी देकर अवैध वसूली करते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि विगत दिनों राजकरण त्रिवेदी, जो कि कहीं बाहर गए हुए थे, उनके घर में ताला लगा था। विद्युत कर्मी उनके छत से चढ़कर के घर के अंदर प्रवेश कर गए। पड़ोसियों के द्वारा जब रोका गया तो उनके साथ हुई बदसलूकी की गई, जिसका लोगों ने वीडियो भी बनाया। किसानों ने तानाशाही और अवैध वसूली नहीं रुकने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भाई साहब, हम लोगों के गांव में बिजली विभाग वाले आते हैं, अवैध वसूली करते हैं, यहां तक कि औरतों के साथ धक्का मुक्की, छेड़खानी। घर में जैसे किसान लोग हैं, हम लोग चले गए खेत, तो घर में घुसे तो वो लोग औरतों को धक्का धक्का देके घर के अंदर बैठते हैं, घर की तलाशी लेते हैं। यहां तक कि रात के 10-11 बजे हमारे राजकरण त्रिवेदी के घर में, इनके घर में ताला लगा था, ये बाहर गए थे तो छत में चढ़ के और कह रहे थे उतरो उतरो उतरो, तो इनके रिश्तेदार है मिश्रा जी, इनने उनकी फ़ोटो भी खींची रात के 11 बजे, जो फोटो भी हमने विधायक जी को। हम लोग विधायक जी से शिकायत करने आए हैं कि हम लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा मतलब अंधाधुंध वसूली और हम लोगों को परेशान किया ज़्यादा है ग्रामीण जनों। यहाँ ग्रामीण पूरा गांव हमारा परेशान है बिजली विभाग की वजह से। एक तो लाइट नहीं रहती है, ऊपर से ये लोग वसूली करते हैं, रात के घरों में घुस जाते हैं, घर में कोई नहीं है, लेडीजें हैं, उनको धक्का मुक्की करके अंदर घुसते हैं और वसूली करते हैं। इससे पूरा गांव परेशान है, इसलिए हम लोग विधायक जी से मिलने आए थे, इनको अपनी समस्या बताने आए। क्या आश्वासन दिया विधायक जी ने? कहा है कि हम पूरा आप लोगों का मदद करेंगे और वो करेंगे, हेल्प करेंगे और अधिकारियों को, संबंधित विभाग को सूचित करेंगे। कौन परेशान करता है ये पता नहीं कौन सी टीम है, इनको हम लोग जानते ही नहीं, और जब जानते पहचानते नहीं तो इनको बोलते हैं कि या तो हमारे लोकल पुलिस को ले लो साथ में, तब घर में घुसो। तो बिना लोकल पुलिस के इनको कोई जानता ही नहीं है और ये घुस जाते हैं। तो पहले हम लोगों के यहाँ डकैत भी ऐसे ही घुसाते थे, तो ये शंका होती है कहीं ये डकैत है, अब लेडीज घर में है, ये घुस जाते हैं। कुछ हमारे संज्ञान में अभी गाँव वाले आए थे और उन लोगों ने बात रखी कि हमारे यहाँ पे आए दिन ये लोग आते रहते हैं और अनावश्यक वसूली करते और चले जाते हैं, और रात को अभी कभी मतलब बिना वहाँ के मुखिया के, घर के मुखिया के, कुछ लोग घरों में घुसे होंगे, उस चीज़ को लेके वहाँ के लोग भड़क गए, जो मैटर शायद थाने तक गया। थाने में आपस में लोगों का समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुछ कलेक्टर साहब के यहाँ भी पहुँचे, उन्होंने एसपी साहब को बोला। आज वो सब ग्रामीण भी सुनाने आए थे कि हम लोगों की भी सुनी जाए, हम लोगों की भी जाँच की जाए, हम लोगों से भी जो पैसे लिए गए हैं एमपीवी के माध्यम से अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से, उसकी भी जाँच की जाए। उसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को भी बोला है और एसपी साहब को भी बोला है, और जो जनता के बीच में न्याय संगत बात होनी चाहिए उसके साथ मैं हूँ और उनका साथ देने के लिए तैयार। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रूपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिल्ली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387, 8770380207।